हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिनेमा। आजकल ये 2.5 किलो का आता है, जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता ना है और जाता है। धर्मेंद्र मेरा पिताजी है। आज मैं आपको बताऊंगा अनएक्सपेक्टेड बॉलीवुड मूवीज, जो किसी ने नहीं सोचा था ये फिल्में हिट हो जाएंगी। कोई देखने नहीं जा रहा था और किसी को विश्वास नहीं था कि ये फिल्में भी हिट हो सकती हैं। और हिट नहीं, ये फिल्म एवरग्रीन हिट है। मतलब जो सोच के भी परे है, मैं वो मूवी की शुरुआत कर रहा हूँ उस लाइन से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ऐसी मूवी की आपको इस टाइप के कंटेंट मिलेंगे। तो स्टार्टिंग करते स्वाते मूवी से। उसका नाम है क्वीन। जी हाँ, कंगना रनौत की क्वीन। किसी ने सोचा था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, क्योंकि वुमन ओरिएंटेड फिल्म थी, अलग कंटेंट था। कोई राजकुमार कोई हीरो डेब्यू कोई जानता नहीं। कंगना को फिल्म देखने को थिएटर जाएगा क्या यार? 500,000 रुपया फैमिली को लेके जाएगा तो कम से कम 3,000 का टिकट कंगना के लिए, ये फिल्म के लिए नहीं भाई, नहीं लेके जाता। मैं मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 4-5 हज़ार एक खर्चा होता है एक फैमिली को लेके जाने का, ठीक है, खाना पीना जाना आना सब मिला के। ठीक है, टाइम का बजट था 23 करोड़ रुपया और बॉक्स ऑफिस में कमाए थे इसने करीब 97 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 100 हो गया। और इसका सेटेलाइट वेटेलाइट मिला के ब्रांडिंग OTT सब बेच बाज के, अभी तो OTT में भी आ रही है, तो मिला के इसने 100 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा कमा लिया। समझ जाइए इस फिल्म ने 197 करोड़ का बिजनेस किया। प्रोड्यूसर के हाथ में मिनिमम इस फिल्म में 80 करोड़ रुपये तो उनको मिला हो। राजी मूवी की बात करता हूँ। जी हाँ, आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट आलिया भट्ट की राजी फिल्म, जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। बजट था इसका 40 करोड़। मेघना गुलजार का कोई नाम नहीं था, उसके पहले वो फ्लॉप पे फ्लॉप दी थी, दो फिल्में उन्होंने बनाई फ्लॉप हो गई थी, फिर उन्होंने राजी बनाई। और ये फिल्म किसी को विश्वास नहीं था कि यार वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जासूस के लिए जा रही है। वो जाता थिएटर जाने लायक फिल्म नहीं है ना ये सब फिल्म, तो OTT आने के बाद घंटा में जाऊँ सब देखने के लिए, मैं यूट्यूब में बैठे बैठे देख लूँगा, तो थिएटर जाने की बात है। तो थिएटर में ये गई पब्लिक और इस फिल्म ने कमाए 195 करोड़, मतलब 200 करोड़ के पास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसका सेटेलाइट और इसका OTT और इसका ओवरसीज राइट्स मिलाकर इसने और ऊपर से 150 करोड़ कमाए होंगे। तो आराम से इनके पास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैं नहीं मानता, क्योंकि 100 में से 25 करोड़ रुपया ही प्रोड्यूसर के हाथ में लगता है। फिर उसके बाद है तनु वर्सेस मन्नू। ये भी फिल्म कसम से बता, तनु वर्सेस मन्नू जब आई थी तो ना कंगना स्टार थी ना आर माधवन स्टार बचा था, ना फिल्म ना कुछ ना, क्यों जाएगी फिल्म पब्लिक? एक फिल्म जाती है आज की डेट में, जाते छोटे छोटे शहर के लिए जाकर तो फिल्म भी नहीं है, मल्टीप्लेक्स फिल्म है। ठीक है, शोज़ कम मिलते नहीं इनको, कौन देखने जाए को 18,000-20,000, सलमान की फिल्म को 15, शाहरुख की फिल्म को 16,000 स्क्रीन मिलते हैं, इन सब मूवी को मिलते हैं स्क्रीन, वर्ल्ड वाइड स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, 2,000-3,000-1,500 से 5,000 स्क्रीन की इन फिल्मों का कैटेगरी नहीं है, कोई खरीदेगा ही नहीं, कौन देखने जाएगा, है ना। बेंगलोर में तो इस सब फिल्में लगती भी नहीं है, कोई देखने में नहीं जाता है। ठीक है, साउथ में अपनी हिंदी फिल्म उसको नहीं देखते हैं। तो 21 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने कमाए 56 करोड़ रुपया। और इसके अलावा मैं सेटेलाइट और म्यूजिक जोड़ दूँ तो इस फिल्म ने करीब 100 करोड़ रुपया और बिजनेस कर लिया प्रोड्यूसर के जेब में परमानेंट पर्सनली। फिर एक थर्ड फिल्म आई थी मोहरा, 3 करोड़ में बजट में बनी थी। लोग तो इतना कह दिए थे क्या दो टुक्कों को ले रहे हो, है यहाँ जैकी श्रॉफ है, सनी देओल है, अनिल कपूर स्टार है, तुम दो नए चेहरे वाले को ले रहे हो यार, कहाँ वेटर को बुला लिए हो, कहाँ बॉडी बिल्डर को बुला लिए हो, कहाँ तुम्हारी हीरोइन भी एकदम नहीं है, पहले दिव्य भारती थी मर गई, किसी श्रीदेवी भी को लो यार, क्या राजीव राय पागल हो गया, इतना बड़ा प्रोडक्शन। लेकिन वही फिल्म ने जब 3 करोड़ में बनी और 25 करोड़ का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस, इसका म्यूज़िक आराम से बिका होगा कम से कम 3 करोड़ रुपए में, तो 25, 26, 27, 28 करोड़ रुपए ये, और इसका सेटेलाइट बिका होगा, आप हिसाब कर लीजिए कितना कमा। उसके बाद बताता हूँ मैं फिल्म शाहरुख खान की देवदार, बिल्कुल साफ बोल देती है भाई, ये तो किसका बुरा सपना है, संजय लीला बंसाली का एक बुरा सपना है, देवदास मत बना भाई। इसका बजट कितना है? 50 करोड़ रुपया, उसने मैं 2000 में 50 करोड़ का बजट में शाहरुख खान बोले कि बना रहा है पिक्चर, ठीक है, लेकिन देवदास, अरे दिलीप कुमार करके बैठा है भाई, तो देवदास कौन देख, आज की पब्लिक देवदास देखने जाएगी? वो कल्ट क्लासिक फिल्म, अरे बंगाली बन चुकी है, इसने बन चुकी है, पागल हो गए हो क्या आप? लेकिन 50 करोड़ के बजट में फिल्म जब उसको
पेश ऐसे किया इतने नए युग से, तो जो लोग दिलीप कुमार की देवदास को भूल गए, और आज भी देवदास में डोला रे वोला रे भंपार ओपनिंग करके इसने 168 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। म्यूजिक राइट्स इसके बहुत हैवी बिके थे, कम से कम मिनिमम 6 करोड़ में बिके होंगे, और इसका सेटेलाइट ओवरसीज मिला के तो फिल्म आराम से 250-300 पहुँच जाती है, वो सब शाहरुख और उनकी जेब में, ठीक है। उसके बाद आती है फिल्म जंजीर, अमिताभ बच्चन। अरे मनुष्य भाई, ये मनुष्य कौन देखने जा रहा है, किसको ले? साथ ने रिजेक्ट कर दी, नवीन निश्चल ने जब कर दी रिजेक्ट, तो बोले भाई प्रकाश बेहरा नहीं बनाऊंगा फिल्म, मैं अब लेता हूँ इसको, मनुष्य को लेता हूँ, अब देखता हूँ कि मेरी बात सही होती क्या है, मुझको अपने कंटेंट पर दम है, मुझको अपने में दम है। हुआ वही, जिस किरदार की मांग थी एंग्री यंग मैन की, वो अमिताभ में ही दे सकते थे, और थैंक्स टू प्रकाश मेहरा जिन्होंने ये फिल्म नहीं बनाते तो हमको अमिताभ बच्चन नहीं मिलता, क्योंकि अमिताभ बच्चन वहाँ से अपने घर लौट जाते हैं, और वो शायद किसी और पद पे होते, गवर्नमेंट जॉब में होते या फिर नेतागिरी में होते, उनके दोस्त राजीव गांधी थे, तो लेकिन हमको अमिताभ बच्चन मिल गया। भाई सोचिए, अपने पैसों से ऐसे खुद के दूसरों के दम पे नहीं, ये जो पैसे लगते थे ना पहले, ये जंजीर से मैं उसमें प्रोड्यूसर खुद लगाते थे, कॉपरेट नहीं थे, कोई फाइनेंसर उसमें भी नहीं थे, प्रोड्यूसर खुद लगाता था पैसा। अभी फिर प्रोड्यूसर के बाद फाइनेंसर आया, अभी आ गई है कॉपरेट हो गई, रिलायंस टी सी थे सब, ठीक है। इसका तो मैं आपको के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या बताऊँ, जो जो फिल्म ने हमको अमिताभ दे दिया। उसके बाद शोले फिल्म भी थी एक, बाद में आई, लेकिन अमिताभ नहीं थे, ठीक है, धर्मेंद्र एक थे, गाँव की गुंडों की कहानी, डाकुओं की कहानी, पागल, और राजेश खन्ना रोमांटिक पे रोमांटिक फिल्म दिया जा रहा है, आप रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा है और आप डाकुओं पे बनी फिल्म ना रहे हो, अरे भाई सिप्पी भाई पागल हो गए हो क्या आप, हैं अरे कौन खरीदेगा आपकी डाकुओं की बनी फिल्म, है यहाँ एक से एक आरडी बर्मन बैक टू बैक रोमांटिक सॉन्ग्स दे रहा है, यहाँ प्रत्येक म्यूजिकल का दौर चल रहा है, दो लड़कों धर्मेंद्र के ऊपर पूरा करके आप फिल्म चलाओ, सोच रहे हो डाकुओं पे, भाई मत बना। और यही फिल्म हुई मील का पत्थर, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसे विकीपीडिया पर पढ़ के या फिर थोड़ा एनालाइज करके नहीं, क्योंकि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ही नहीं किसी के पास में, उस समय थिएटर्स पे लगती थी, और थिएटर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या संबंध है और इसका प्रोड्यूसर से डायरेक्ट का संबंध है, ये कोई नहीं बता सकता, अभी की फिल्म बता सकते हैं, लेकिन उस समय की फिल्म अपन एज ए बॉक्स ऑफिस काउंट नहीं कर सकते। तो होप आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हो अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।